सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, अभी कुछ समय पहले हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि राफेल फाइटर्स की कॉन्ट्रोवर्सी के बावजूद भी फ्रांस इंडियन नेवी के लिए भी अपने राफेल फाइटर्स को बेचने के लिए भारत को जोर दे रहा है। तो आज के एपिसोड में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या भारत को इंडियन नेवी के लिए भी इन राफेल फाइटर्स को चुनना चाहिए या नहीं, और अगर भारत नेवी के लिए भी इन राफेल फाइटर्स को चुनता है तो क्या ये भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सन 2017 में इंडियन नेवी ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए 57 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर्स को खरीदने के लिए RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को जारी किया था, क्योंकि 2016 में इंडियन नेवी ऑफिशियल्स द्वारा नेवी के लिए खास तौर पर तैयार किए गए LCA तेजस के नेवल वेरियंट यानी कि LCA नेवी को रिजेक्ट कर दिया गया था। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेवी द्वारा तेजस को रिजेक्ट किए जाने वाले कारणों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और इंडियन नेवी को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ऐसे फाइटर्स की जरूरत है जिन्हें मल्टी रोल ऑपरेशंस में डे और नाइट किसी भी कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सके, और वे कैटोबार और स्टोबार लॉन्च सिस्टम को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। और इंडियन नेवी के इस RFI के जवाब में बोइंग, डसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, साब ग्रुप और मिकोयन जैसी कंपनी ने जवाब दिया था। लेकिन इस कंपटीशन में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, वो है बोइंग कंपनी का FA-18EF सुपर हॉर्नेट और डसॉल्ट एविएशन का राफेल M यानी कि राफेल मरीन। हालांकि इंडियन नेवी के लिए FA-18 और राफेल M में से कौन सा फाइटर बेहतरीन है, हम इस पर भी एक अलग से वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और आज के एपिसोड में हम केवल राफेल M के बारे में ही बात करेंगे। तो राफेल M राफेल फाइटर्स का ही एक नेवल वेरिएंट है, जिसको लेकर फ्रांस का कहना है कि उनका ये फाइटर इंडियन नेवी की सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि फ्रांस के मुताबिक उनका ये फाइटर केवल फ्रेंच प्लेटफॉर्म में ही नहीं बल्कि किसी अन्य देश के प्लेटफॉर्म में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। और फ्रेंच नेवी ने इसका इस्तेमाल ISIS के खिलाफ भी किया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये राफेल M एक बैटल प्रूवन फाइटर है। तो अब बात ये आती है कि क्या इंडियन नेवी को इस राफेल M फाइटर को चुनना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के लिए जिन 36 राफेल फाइटर्स को लिया जा रहा है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पहले से ही चल रही है। और अब अगर ऐसे में इंडियन नेवी 57 राफेल फाइटर्स के लिए भी चुनती है, तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाएगी। लेकिन हम इस चैनल में कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, तो इसीलिए अगर इन सभी पॉलिटिकल चीजों को साइड में रखा जाए तो ये राफेल M फाइटर निश्चित रूप से इंडियन नेवी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन साबित होगा। और उसके एक नहीं कई सारे कारण हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे मुख्य कारण है वो है फ्रांस और भारत के बीच की एक बहुत अच्छी साझेदारी। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत फ्रांस के साथ ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर्स के लिए डील साइन कर चुका है, और अगर ऐसे में भारत इंडियन नेवी के लिए भी राफेल फाइटर्स को लेता है, तो हो सकता है कि इस डील के साथ भारत और फ्रांस कुछ ऐसी डील भी साइन करें जो भारत के लिए हर मायनों में फायदेमंद हो। और इसके अलावा अगर भारत नेवी के लिए इन फाइटर्स को चुनता है, तो भारत को इन फाइटर्स को ऑपरेट करने के लिए पायलट्स को ज्यादा दिन के लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन फाइटर्स को ऑपरेट करने के लिए भारत के पायलट्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा रही है। पर चूंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन नेवी ने एक बार फिर से LCA तेजस के नेवल वेरिएंट के ग्राउंड ट्रायल्स को शुरू कर दिया है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल के अंत तक LCA नेवी के उड़ान परीक्षणों को एयरक्राफ्ट कैरियर से भी आयोजित किया जा सकता है। और अगर ऐसे में कुछ इम्प्रूवमेंट करके LCA तेजस का नेवल वेरिएंट इंडियन नेवी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो जाता है, तो फिर इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।